तो हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने डेली ड्राइंग्स टूल्स दिखाने वाला हूँ जो मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ अपने स्केचेस में। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कौन कौन से ड्राइंग टूल्स खरीदने चाहिए और कौन कौन से नहीं खरीदने चाहिए। वैसे तो ड्राइंग टूल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन डेली बहुत कम ही यूज़ होते हैं एक स्केच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ड्राइंग मटेरियल जो मैं अपने डेली ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ, तो गाइस चलिए इसको एक एक करके आपको दिखाते हैं अच्छे से। गाइस सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल्स की, जो सबसे मेन होता है ड्राइंग के लिए। तो मैं उसमें फैब्रिक कैसल की 2B, 6B एंड 8B यूज़ कर रहा हूँ। जो 2B सबसे लाइट है, उससे थोड़ा डार्क 6B एंड 8B थोड़ा और डार्क, एंड 10B सबसे डार्क पेंसिल है। तो इन्हीं चारों पेंसिल का मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ अपने ड्राइंग्स में। गाइस मेरे पास और भी ग्रेड के पेंसिल्स हैं, लेकिन आजकल के ड्राइंग्स में यही सब पेंसिल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने इस वाले ड्राइंग में देखा ही होगा, इसमें शर्ट के लिए मैंने 8B एंड 6B का यूज़ किया है, एंड फेस में 2B एंड 6B, एंड पगड़ी में 10B एंड 8B का ज़्यादा यूज़ किया है। गाइस जैसे चारकोल पेंसिल, ये कैमलिन चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट मीडियम एंड हार्ड, जो कि मैं अपने बियर्ड एंड हेयर्स में यूज़ करता हूँ, डार्क एरियाज़ में यूज़ करता हूँ। जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डार्क करना पड़ता है, तो मैं उनमें इन पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ। तो गाइस आप जैसा कि हेयर्स में देख सकते हैं, हेयर्स में मैंने चारकोल पेंसिल्स का यूज़ किया है। जहाँ डार्क एरिया है, वहाँ पर मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है गाइस। और जहाँ ज़्यादा लाइट है, जैसे कि ये एरिया, यहाँ पर गाइस मैंने ये मीडियम का यूज़ किया है। और ज़्यादा, और ये कपड़े में आप देख सकते हैं, मैंने ये हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि ये बॉटल लाइट होता है, सबसे लाइटेस्ट है चारकोल पेंसिल्स में। ये है ब्लेंडिंग टूल्स जो मैं हर रोज़ की अपने ड्राइंग में यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट ब्रश, टिश्यू पेपर एंड होममेड ब्लेंडिंग स्टम्प। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब टूल्स मैं अपने ड्राइंग्स में कैसे यूज़ करता हूँ। तो मैं फेस में ब्लेंडिंग स्टम्प्स और टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ गाइस। एनक्लोथ में भी मैं इसी ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करता हूँ। हेयर्स में मैं सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करता हूँ ब्लेंड करने के लिए। तो गाइज ये है मैकेनिकल पेंसिल, 0.3 मैकेनिकल पेंसिल्स आउटलाइनिंग के लिए, एंड ये इरेजर। तो गाइज ये है मैकेनिकल पेंसिल, 0.3 मैकेनिकल पेंसिल्स आउटलाइनिंग के लिए, एंड ये इरेजर, सिंपल शार्पनर। एंड मेरे पास टोम्बो मोनो जीरो इरेजर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर मिलता नहीं है। तो गाइज मैंने कटर से इस इरेजर को काट लिया है, इसी को मैंने टोम्बो मोनो जीरो इरेजर बना दिया है। तो चलिए देखते हैं मैं इन टूल्स का अपने ड्राइंग में कैसे यूज़ करता हूँ। तो गाइस आउटलाइनिंग के लिए तो मैं ये 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप हेयर्स में ये छोटे छोटे हाइलाइट्स देख सकते हैं, तो ये मैंने इसी इरेजर से दिया है। और ये जो साइड में डस्ट फैल जाता है, तो इसको साफ़ करने के लिए ये मैं बिग इरेजर यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, एंड ये सिंपल शार्पनर पेंसिल को साफ करने के लिए। ये थे मेरे कुछ ड्राइंग मटेरियल्स जो मैं हर रोज़ अपने ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पंजाबी मैन के ड्राइंग में मैंने इन्हीं सब टूल्स का यूज़ किया है, और किसी भी टूल का मैंने इन सब ड्राइंग में यूज़ नहीं किया है अपने डेली ड्राइंग्स में। गाइस ये थे मेरे कुछ डेली ड्राइंग मटेरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में पक्का बताइएगा वीडियो कैसा था। के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।